नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाने वाले एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जो कि अब उनके हस्बैंड बन चुके हैं यानी कि आदिल दुर्रानी को लेकर राखी जब भी मीडिया के सामने आती है ऐसे ऐसे खुलासे कर रही हैं जो फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। जहां एक ओर वो ये कह रही है कि आदिल दुर्रानी उन्हें चीट कर रही है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वो बात करती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से फैंस और कई सेलिब्रिटीज राखी सावंत के लिए चिंता जता रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए काम करने की या कंडोलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि राखी की इस मुश्किल घड़ी में वो खुद को अकेला ना समझे। लेकिन वही राखी की कुछ ऐसी हरकतें सामने आ जाती है जिसकी वजह से फैंस का गुस्सा भी उन पर फूटता है, क्योंकि जहां एक ओर वो अपने पति आदिल दुर्रानी पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं, उन पर टॉर्चर करने का आरोप लगा रही हैं, उन पर डिवोर्स देने की बात, यहाँ पर धमकी देने का आरोप लगा रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल होने की बात वो कह रही हैं, और वही राखी जब मीडिया से बात करने के बाद अपने घर जाती हैं तो वो आदिल के साथ अपनी नॉर्मल, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, शादीशुदा जिंदगी जीते हुए नजर आती है। सोशल मीडिया पर वो आदिल के साथ जिस तरह से फोटो शेयर कर रही है, रील्स शेयर कर रही है, ऐसे में फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार राखी और आदिल की शादी की हकीकत क्या है। क्या दोनों की शादी जो है वो वाकई में सच है भी या नहीं, या फिर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या फेक मैरिज है। आखिरकार क्या कुछ है राखी सावंत की शादी की सच्चाई, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राखी और आदिल की शादी की जो कंट्रोवर्सी है वो आखिरकार क्यों हो रही है। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा आपका। अंकिता, यहाँ पर देखिए, हम जिस तरह से देख रहे हैं राखी सावंत मीडिया के सामने आती है, कई गंभीर आरोप लगाती है, लेकिन आदिल दुर्रानी जो थी वो अब तक खामोश नजर आ रहे थे, लेकिन अब आखिरकार वो भी मीडिया के सामने आए और वो भी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अब तक राखी कर रही थी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा कवर कर रही हैं, इस पर स्टडी कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, तो आप राखी और आदिल दुर्रानी की शादी को किस तरह से देखती हैं? क्या लगता है दोनों की शादी की सच्चाई आखिरकार क्या है? देखिए, दोनों की शादी की सच्चाई अगर मैं कहूँ और कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा पेचीदगी नजर आ रही है। राखी सावंत ने अब तक कितनी शादियां की हैं? सबसे पहले याद होगा कि सालों पहले स्वयंवर रचाया था, और याद ये भी होगा कि जब राखी सावंत ने अपने स्वयंवर की शुरुआत की थी तो उसके बाद कई ऐसे जाने माने चेहरे थे जिन्होंने अपना स्वयंवर किया था। स्वयंवर से लेकर के राखी के निकाह तक की जो जर्नी रही है वो काफी कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन आदिल के साथ जो उनका निकाह हुआ है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में, इससे ज्यादा कोई भी शादी इन दिनों सुर्खियों में नहीं रही। वही लगातार राखी के साथ शादी जो है वो टूट जाती है, और ये भी शादी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि टूटने के कगार पर है। और वही अगर मैं बात करूँ कि शादी जैसे रिश्ते को, एक हस्बैंड वाइफ जैसे रिश्ते को इन्होंने एक मजाक का रूप यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, और फैंस भी इस बात को कह रहे हैं, फैंस भी कह रहे हैं कि शादी को मजाक बना दिया है। पहले राखी सावंत सामने आती हैं, अपनी शादी की बात करती है कि मैंने तो निकाह कर लिया है, मैंने तो अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, वह फिर उसके बाद कहती हैं कि राखी सावंत, आदिल खान दुर्रानी ने मेरे साथ ये किया, आदिल खान दुर्रानी ने मेरे साथ वो किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं अब शादी तो इनकी जो है वो मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तक तो आदिल खान ने कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब बोलता है कोई इंसान, जो शांत इंसान अगर कभी बोलता है तो वो कुछ ऐसा बोल जाता है कि फिर सब सुन करके ही चुप हो जाते हैं। जी राखी, माफ कीजिएगा अंकिता, यहाँ पर मैं आपको इसी जो आपने अभी बात कही इसी पे टोकना चाहूंगी, और अगला सवाल भी मेरा इसी चीज से होगा। देखिए, जहाँ राखी खुद को यहाँ पर श्रद्धा वालकर की केस से जोड़ रही हैं कि मैं श्रद्धा नहीं हूँ या घर में बैठकर मुझे फ्रिज में नहीं जाना है, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, यहाँ पर राखी खुद को श्रद्धा वालकर के केस से जोड़ रही है, और अब आदिल जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस से खुद को जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि तो मैं भी सुशांत नहीं बनना चाहता। आखिरकार
दोनों ही यहाँ पर जिस तरह से दो ऐसे मुद्दों को जोड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा में रही है अपने अपने वक्त में, तो क्या दोनों एक कह सकते हैं कि पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि आप अपनी बात कीजिए ना, आप और मुद्दों से खुद को क्यों जोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिल हो या राखी, इन केसेस से खुद को जोड़कर अपनी मुश्किलें ही बढ़ाने वाले हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि धर्म का मुद्दा भी इस केस से अपने आप जुड़ जाएगा। तो क्या ये जो स्टेटमेंट दोनों के सामने आ रहे हैं, क्या ये जो है इनकी मुश्किलें बढ़ा भी सकते हैं अंकिता? देखिए, मुश्किलें बढ़ाने का हो या ना बढ़ाने का, क्योंकि स्टेटमेंट अब आदिल खान दुर्रानी का स्टेटमेंट हो या राखी सावंत का स्टेटमेंट हो, कोई भी नहीं एक एंटरटेनमेंट के बेस पर लेकर के ही चलता है। जितने भी फैंस होते हैं वो इन दिनों इसको एंटरटेनमेंट के बेस पर लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि ये किस तरीके का है, सीरियसली ये है या नहीं है, इस तरीके की बातें नहीं हो रही हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ आदिल खान ने शादी को जोड़ा है तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत राखी सावंत ने ही की थी। तो अंकिता, यहाँ पर मेरा आपसे अगला सवाल जो है आपके इस जवाब से जुड़ा हुआ रहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि आदिल जो है उन्होंने खुद को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अंकिता कि पहले श्रद्धा वालकर के केस से राखी सावंत खुद को जोड़ रही है और अब जिस तरह से आदिल दुर्रानी खुद को सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़ रही है, तो दोनों जिस तरह से एक दूसरे को इन केसों से जोड़ रही है, अपनी शादी को इन केसेस से जोड़ रही है, या दोनों के ये स्टेटमेंट आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाने वाले हैं, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं अंकिता? बिल्कुल, आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। शादी किस हद तक या कितने दिनों तक टिकेगी ये तो फैंस भी जान रहे हैं। कहीं ना कहीं फैंस भी इस बात की संभावनाएं जता रहे हैं कि ज्यादा दिनों तक शादी टिकने वाली नहीं है। मगर राखी सावंत की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। अगर सुशांत सिंह राजपूत का नाम आदिल खान ने लिया है, क्योंकि मीडिया ने उनसे इस सवाल को पूछा, मीडिया ने पूछा कि भाई क्या श्रद्धा वालकर के केस से राखी सावंत जोड़ करके खुद को देख रही है, तो क्या ये बात सच है? तो ऐसे इतना उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना, क्योंकि याद रखिएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड रही थी उनके साथ सीधा कनेक्शन था, तो यहाँ तो पति की और पत्नी की बात है। बिल्कुल। और लेकिन समझना यहाँ राखी सावंत को होगा, सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया वो बड़ी बात नहीं है, सुशांत सिंह के साथ कोई भी धर्म का मामला जुड़ा नहीं है, लेकिन श्रद्धा वालकर के साथ सीधे लव जिहाद का एंगल है, सीधे मुस्लिम और हिंदू धर्म की बात की जा रही है, सीधे टारगेट किया जा रहा था। याद होगा आपको कि जब ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया था कितने ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे, हिंदू मुसलमान में कितने विवाद हुए थे, हिंदू संगठनों ने कितने ज्यादा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और ऐसे में अगर आदिल खान दुर्रानी के साथ इन्होंने निकाह किया है, अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया, और उसके बाद अगर ये श्रद्धा वालकर को से अपने आप को कंपेयर करेंगी तो यहाँ पर हिंदू संगठन हो सकता है कि वो एक्टिव हो जाए, हो सकता है कि वो इस बात को समझे कि क्या सच में राखी सावंत के साथ आदिल खान कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ संभावनाएं कुछ भी जता सकते हैं, क्योंकि आगे होने आने वाले दिनों में क्या कुछ हो जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं है। तो राखी को भी थोड़ा संयमित होकर के बोलना होगा, क्योंकि जो भी वो बयान देती है वो कहीं ना कहीं से एक कॉन्ट्रोवर्सी तो बनती ही है, मगर एक आप अगर एक इमोशनल चीजों को पकड़ेंगे, आप एक ऐसे नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे जिससे पूरे भारत का कनेक्शन है, पूरे भारत के लोगों के इमोशंस का कनेक्शन है, तो उन पर ये चीजें भारी पड़ सकती हैं जो आगे आने वाले दिनों में हमें देखने के लिए मिलेगा अगर वो अपने ऐसे विवादित बयानों से बचती हुई नजर नहीं आएंगी तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अंकिता ने काफी सही बात बोली है कि राखी और आदिल दोनों को ये चीज समझने की जरूरत है कि भले ही वो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उनका एक भी गलत स्टेटमेंट आने वाले वक्त में उनकी और उनकी शादी दोनों पर खतरा बनकर मंडरा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो स्टेटमेंट इस वक्त दे रहे हैं वो आने वाले वक्त में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। और अब यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी कि आदिल दुर्रानी ने अब जिस तरह से इस केस को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ दिया है, या यूं कहें कि अपनी शादी को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ दिया है, आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं। हालांकि राखी और आदिल दुर्रानी की शादी को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।